बहुत अनोइंग है यार। देखो अब ऐसी रोड है जहाँ पे आपको फर्स्ट गियर में ही कार ड्राइव करनी है, तो आप बिना मतलब सेकंड गियर तो एंगेज करोगे नहीं, पर कार को इतना भी जो है समझ में नहीं आता है कि वो ऑटोमेटिकली सेकंड गियर लगा देती है, फिर उसको लगता है कि नहीं 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 कार नहीं चल रही है, तो वापस से वो फर्स्ट गियर कर देती है। तो ये बहुत अनोइंग लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको करूँगा सजेस्ट कि आप एम मोड में ड्राइव करो, जहाँ पे आपको पूरा मैनुअल कंट्रोल मिलता है। देखो बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं ना जिनको जानना है कि भाई हिली रोड्स पे AMT का परफॉर्मेंस कैसा है, AMT में क्या दिक्कतें आती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करना अगर आप AMT लेने का प्लान कर रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी AMT है और आपको कैसे हिली रोड्स पे ड्राइव करना है पता नहीं चल रहा है। देखो वैसे मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हैं जो कि टॉर्क कन्वर्टर हो गए या फिर ड्यूल क्लच हो गया, तो ऐसे इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मैं जो आपका मेन प्रॉब्लम है वो बताऊंगा कि AMT में क्या प्रॉब्लम आती है जब आप ऐसे हिली रोड्स पे ड्राइव करते हो। इसलिए जो है मैं क्या करता हूं, मैं कार डी में लगाता हूं, मैंने ब्रेक प्रेस किया, कार मैंने डी में लगाई और मैं यहां से जो है कार चढ़ाने का ट्राई करता हूं, तो आप देखना कि कार कैसे बिहेव करती है। तो यहीं पे वैसे मेरा घर है, तो ये प्रॉब्लम मुझे इस रोड पे हरदम फेस करनी पड़ती है। जब भी मैं नियोस लेके आता हूं तो ये प्रॉब्लम मुझे यहां पे होती है। देखो कार ने फर्स्ट से सेकंड गियर डाल लिया और वापस से कुछ देर बाद फर्स्ट डाल लेगी, वापस सेकंड डाल रही है, वापस फर्स्ट, वापस सेकंड, वापस फर्स्ट। देखो तो आपने देखा होगा कि कार कैसे झटके ले रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कार अपशिफ्ट कर रही थी, डाउनशिफ्ट कर रही थी, तो वो जो आपको जर्क्स है वो झटके वो फील होते हैं अंदर। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप ऐसे हिली रोड्स पे टी मोड पे ड्राइव करते हो, जहाँ कि आपको मैन्युअली कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलता है, अपशिफ्ट भी कार अपने हिसाब से करती है, डाउनशिफ्ट भी कार अपने हिसाब से करती है, तो यहाँ पे आपको डी मोड में कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। ये नॉर्मल AMT मतलब मैनुअल ही कार होती है, बस ये इसमें नॉर्मल से एक एक्चुएटर लगा देते हैं, उसकी वजह से जो कार है वो ऐसे मतलब पागल सा बिहेव करती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर डी में आपको कुछ कंट्रोल नहीं मिलता है तो आपको मैनुअल मोड में क्या कंट्रोल मिलते हैं, अगर आप एम में करके चलाओगे ना तो यहाँ पे आपको मैनुअली प्लस माइनस करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप एम में लगाया तो यहाँ पे 1 लिख के आ गया, और अभी आप कार अगर ड्राइव करते हो ना तो कार ऑटोमेटिकली जो है सेकंड गियर में शिफ्ट नहीं होती है अंटेन अनलेस जब आप जो है मैनुअली ऐसे करके गियर प्लस ना करो, तो यहाँ पे माइनस करने का भी कंट्रोल मिलता है कि आप जो ऐसे ऐसे करके माइनस भी कर सकते हो, पर अगर आप माइनस करना भूल जाते हो तो ये कार ऑटोमेटिकली माइनस कर लेती है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे गार्ड्स पर ड्राइव करो ना तो आपको मैनुअल कंट्रोल अगर चाहिए तो आप एम पे करके प्लस माइनस करके कार चला सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो है कैसे एम में करके सेम जगह जहां पे आपने देखा कि वहां पे कैसे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस फर्स्ट सेकंड कार कर रही थी, तो वहां पे अभी हम चलते हैं, वहां पे मैं आपको एम मोड पे डाल के कार ड्राइव करके दिखाता हूं कि कैसे जो है एक ही गियर में आपकी जो है इतनी बड़ी मतलब इतनी ज्यादा इंक्लाइन एंगल वाली जो है चढ़ाई कैसे वो चढ़ देती है कार। देखो मैंने एम गियर ऑलरेडी लगा दिया, मैं आपको एक और बार लगा के दिखा देता हूं, ये है डी, ऐसे आप कर दोगे तो इस तरफ आपका जो है मैनुअल में जो लाइट है वो जल जाती है, यहाँ पे 1 लिख के आ गया, अगर डी में रहता है तो D1 लिख के आता है, तो ये ऑटोमेटिक मोड है, ऐसे कर दोगे तो ये 1 हो गया। तो अभी जो है मैं मैनुअल मोड में फर्स्ट गियर में ही आपको जो पूरी ये जो रोड है ना वो निकाल के दिखाऊंगा। देखो एम मोड में है, देखो कार अपने हिसाब से जो है गियर चेंज नहीं कर रही ऑटोमेटिकली, फर्स्ट गियर में ही पूरी जो रोड है वो आपने ड्राइव करके निकाल दी, तो कुछ ऐसा जो है आपको मैनुअल मोड मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है यार मैनुअल मोड में। अगर ऐसा रोड है ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप एम में डालो और देखो अभी मैं नॉर्मल रोड पे भी यहाँ पे अगर ड्राइव कर रहा हूँ ना तो स्पीड ऑलरेडी हो गई है सेकेंड गियर की, पर कार अपने हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो अब ये कार है सेकेंड गियर में। अब सेकेंड गियर में भी ये अपने हिसाब से शिफ्ट नहीं करेगी, देखो स्पीड ऑलरेडी हो गई, यहाँ मैंने प्लस किया तो अब ये हो गई थर्ड गियर में। तो मैनुअल मोड में आपकी कार ऑटोमेटिकली गियर अपशिफ्ट नहीं करती है, तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है हिली रोड्स पे। तो कंक्लूजन बस ये है कि अगर आपकी कार ऐसे पागलपंती करे जैसे मैंने आपको बताया तो वहां पे आपने सिंपली एम मोड पे कार आपकी ड्राइव करनी है। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मैंने आपसे शेयर की, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट में जरूर बताना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।